हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। एंड गाइस, आज हम करने वाले हैं ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था यूके का जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स यहाँ पर हैं, वो हमने डिस्कस करे थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर हमारा। तो ब्रिटिश कैबिनेट में आज हम करने वाले हैं डिस्कस किस तरह से जो यूके में कैबिनेट परफॉर्म करती है अपने जो भी फंक्शन उसके रहते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं दैट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन लेक्चर्स की। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। आप बिल्कुल लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अन अकेडमी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप प्लस कोर्सेज लेते हैं तो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिलते हैं, एंड फ्री क्लासेस बहुत सारी यहाँ पर चल रही है पेपर वन के ऊपर, तो आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फॉर योर एनटीयू यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है? तो बाकी प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। बेगिटन यूज करेंगे यहाँ पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो इससे पहले हमने देखा था कि फीचर्स क्या हैं ब्रिटिश कैबिनेट के, यूके के, और कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनी मोर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट सम फीचर्स एंड सम फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रिटिश कैबिनेट। तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है गाइज ये आपके यूके में, ब्रिटेन में। तो यानी कि जैसे इंडिया में हमारा एक रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहता है कैबिनेट, उसी तरह से ब्रिटेन में भी ये चीज़ रहती है। और जो भी यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं तो रियल यहाँ पर कंसेंट किसका होता है, वो होता है ब्रिटिश कैबिनेट का, जिसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जैसा कि इंडिया में भी केस है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश कैबिनेट के कॉम्पोजिशन की। तो गाइज यहाँ पर देखो, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, वो हेड रहेगा आपका, और कुछ मिनिस्टर्स यहाँ पर रहेंगे। तो इन मिनिस्टर्स में रहेंगे आपके चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता है, लॉर्ड प्राइवी सील होता है, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, लॉर्ड चांसलर एंड मैनी मोर। मतलब बहुत सारे ऐसे यहाँ पर फंक्शनरीज रहते हैं जो आपके कैबिनेट में इन्वॉल्व रहेंगे। और ऑफिसर्स जो यहाँ पर कैबिनेट या फिर हम कहें ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑफिसर्स कौन कौन से ऐसे हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर यहाँ पर नहीं होते हैं? वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, लॉर्ड एडवोकेट एंड पे मास्टर जनरल। ये चार ऐसे यहाँ पर ऑफिसर्स रहेंगे या यहाँ पर ऐसे बेसिकली जो मेंबर नहीं रहेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, इसको आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो बात करें प्राइवी काउंसिल की, तो प्राइवी काउंसिल बेसिकली एग्जिस्टेंस में आई थी आपके 15th सेंचुरी में एज एन एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी थी किस चीज़ को? आपके टू द ब्रिटिश मोनार्क, जो ब्रिटिश मोनार्क आपका है, यहाँ पर किंग है, उसका एक उसके लिए एक एडवाइजरी बॉडी थी आपकी प्राइवी काउंसिल। तो उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ इट्स पावर जो है वो ट्रांसफर की गई कैबिनेट को। अब प्रेजेंटली बात करें तो इसमें 330 मेंबर्स आज की डेट में है, और दे विल इंक्लूड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे, और ये इसको प्रिजाइड ओवर किया जाता है लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, प्राइवी काउंसिल को। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं, और इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं आपके एग्जामिनेशन में, जिनको आपने क्या करना होता है, डिकोड करना होता है कि सही होती है या गलत है। तो प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट बेसिकली कहा जाता है यूके में जो गवर्नमेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है ब्रिटिश पॉलिटी को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, इसलिए इसको प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट कहते हैं। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, यहाँ पर भी आपके प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बेसिकली डीफैक्टो यहाँ पर हमारा एक रहता है, डीफैक्टो मेंबर रहता है। डीफैक्टो का मतलब होता है विच बेसिकली रियली हैव द इफेक्ट, यानी कि रियल रियल एग्जीक्यूटिव। एक होता है आपका डी ज्यूर, डी ज्यूर का मतलब होता है जो रियल यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है, वहां पर यूके में क्या है, किंग या क्वीन यहाँ पर रहने वाली है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट के सामने आता है हमारे, कि भाई एक शेडो कैबिनेट वहां पर होता है। एक कैबिनेट तो है ही है, लेकिन एक शेडो कैबिनेट भी होता है। तो शेडो, एज यू ऑल नो, शेडो का मतलब हो गया किसी चीज की परछाई। तो वैसे ही समझ लो जो आपका रियल एक कैबिनेट है उसकी परछाई। उसकी परछाई कैसे, मतलब उसका एक समझ लो कि जिस तरह से स्ट्रक्चर आपका रियल कैबिनेट का है, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी भी एक तैयार करती है, और ऑपोजिशन पार्टी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिस तरह से कैबिनेट बना होता है। तो बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा ही इसको क्या है, फॉर्म किया जाता है, ताकि रूलिंग जो कैबिनेट है उसको बैलेंस कर सकें, क्योंकि ऑपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है? जब अगर आप यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ऑपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा ऑपोजिशन होगा उतना सही जो है आपका देश चलता है।
इट प्रिपेयर्स इट्स मेंबर्स फॉर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई फ्यूचर में मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए अपने मेंबर्स को तैयार करना एक इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसका मतलब होता है कि फ्यूचर में अगर मान लो अपोजिशन यहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट बनाती है, रूलिंग या फिर रूल करने यहाँ पर आती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो उनको फिर ज़्यादा यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं होती है और एज इट इज़ उसको यहाँ पर फंक्शनरी के तौर पर उसको रख सकते हैं, जो आपका शेडो कैबिनेट होता है। और ब्रिटेन में क्या होता है, अपोजिशन को बिल्कुल ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है। ब्रिटेन में ऑपोजिशन को क्या है, एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलती है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है जैसे कि गवर्नमेंट होता है। जैसे जैसे फंक्शनरीज आपके गवर्नमेंट में होंगे वैसे वैसे शेडो कैबिनेट में भी होंगे। हर एक मिनिस्टर जो कैबिनेट में है उसको शेडो किया जाएगा ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर के द्वारा, ताकि वो मॉनिटर कर सके उसकी एक्टिविटीज, उसके डिपार्टमेंटल जो भी अंडरटेकिंग्स हैं, कैसे कैसे वो काम कर रहा है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, लगभग जैसे कि मैंने कहा आपको, हर एक मेंबर जो है रूलिंग कैबिनेट का शेडो किया जाता है बाय अ कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर इन द अपोजिशन कैबिनेट। हर एक मेंबर के ऊपर एक मेंबर रहेगा अपोजिशन मेंबर की तरफ से, और द मेंबर्स ऑफ शेडो कैबिनेट वॉच क्रिटिकली द वर्किंग ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट। यानी कि जो शेडो कैबिनेट में मेंबर होंगे वो बिल्कुल क्रिटिकली जो है देखेंगे कि रूलिंग गवर्नमेंट किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, क्या वो सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है। और शेडो कैबिनेट क्या है, बिल्कुल एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट के तौर पे काम करता है यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो डेफिनेटली ऑल्टरनेट कौन होगा यहाँ पर गवर्नमेंट का, दैट ऑपोजिशन पार्टी। तो आइवर जैनिंग्स ने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करा है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको कहा है ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन यहाँ से गाइस क्या बनता है कि किसने कहा, हु सेड दैट द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर। तो आइवर जैनिंग्स, आपने याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ही एंजॉयज, ही मतलब जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, या फिर कहें कि जो आपका ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर है, जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है, कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एंजॉय करता है स्टेटस ऑफ ए मिनिस्टर, और उसको बिल्कुल पे भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है यूके में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने, क्रॉसिंग द फ्लोर। ये क्या चीज होती है, देखो जब मेंबर्स यहाँ पर किसी भी हाउस ऑफ कॉमन, देखो क्रॉसिंग द फ्लोर ये होता है आपके फ्लोर, एक साइड बैठते हैं आपके रूलिंग वाले, ये आपके रूलिंग गवर्नमेंट है, ये आपके अपोजिशन है, मान लो दो दो तरह की पार्टीज यहाँ पर हैं। अब होता क्या है इसमें, अब जिसने अगर पार्टी चेंज करनी हो ना यहाँ पे, फॉर हमारे में क्या करते हैं, पार्टी चेंज करते हैं, तो वैसे ही वहां पर भी पार्टी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका फ्लोर है, दिस इज योर फ्लोर, दिस इज योर फ्लोर, एंड आपको क्या करना होता है, रूलिंग से अपोजिशन जाना, अपोजिशन से रूलिंग जाना है, तो यहाँ पर आपको ये फ्लोर क्रॉस करना होता है बस, ठीक है। उसको कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर, यानी कि यहाँ से जाके वहां बैठ जाना, एक ही जगह आपने बी में बैठ जाना, बस आपका क्रॉसिंग द फ्लोर हो जाएगा और यहाँ पर आपकी पार्टी चेंज हो जाएगी। आप सपोर्ट शो करते हो जब अपोजिशन या दूसरी पार्टी के लिए, दैट इज योर क्रॉसिंग द फ्लोर, है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या होता है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी अगर चेंज करनी हो तो उसको क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर कहा जाता है। ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके फ्रॉम अपोजिंग पार्टी, सिट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द चैम्बर, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि भाई अगर ए से जाना है बी की तरफ तो बैठ जाना है यहाँ पर, बी से आना है ए की तरफ तो यहाँ पर बैठ जाना है आपने। सो अ मेंबर जो यहाँ पर चेंज करता है पार्टी, उसको क्रॉस करना पड़ता है फ्लोर हाउस का, जो भी यहाँ पर हाउस है, चाहे हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो उसको कहते हैं जी हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग द फ्लोर। ये टर्म जो है, द टर्म स्पेसिफाइज द चेंजिंग ऑफ एलिजियंस, यानी कि सपोर्ट आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो, सपोर्ट आप अपना बदल रहे हो दूसरे की तरफ, वो यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली योर क्रॉसिंग द फ्लोर। तो बात करें यहाँ पर सेक्रेटेरिएट की, इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कैबिनेट का जो सेक्रेटेरिएट है तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1916 में लॉयड जॉर्ज के द्वारा, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, ताकि जो वार कैबिनेट है, उस टाइम जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वार कैबिनेट को क्या है, ऑर्गेनाइज कर सके आप और सर्व कर सके जो कमेटी है इंपीरियल डिफेंस की। तो इन्होंने ट्रांसफर किया, उस टाइम के जो सेक्रेटरी होते थे कमेटी ऑफ इंपीरियल डिफेंस के, उनको ट्रांसफर किया और बनाया पहले सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट, यानी कि सर मॉरिस हैंकी होते थे उस दौरान, उनको पहला सेक्रेटरी बनाया गया कैबिनेट का, जो वार कैबिनेट इन्होंने बनाया था लॉयड जॉर्ज ने। बाद में क्या हुआ, इस सेक्रेटेरिएट को जो है परमानेंट बेसिस पे रिटेन किया गया, जिसको रिकमेंड किया था हाल्डेन कमेटी रिपोर्ट ने, जो 1918 में यहाँ पर आई थी, जो ये रिपोर्ट थी आपकी ऑन मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो हाल्डेन कमेटी ने कहा कि भाई जो आपका वार सेक्रेटरी, सॉरी, जो वार आपका सेक्रेटेरिएट है, इसको आप क्या करो, इसको आप परमानेंटली बेसिस पे क्या कर दो, यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दो। तो कुछ और यूनिट्स यहाँ पर जो है ऐड की गई आपके वार कैबिनेट में, वार सेक्रेटेरिएट में बेसिकली,
ठीक है, वार कैबिनेट में तो, और एक बिगर यूनिट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई और इसको कैबिनेट ऑफिस कहा गया, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है और कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यहाँ पर रहता है। इसमें और चीज़ें भी रहती है जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस हो गया, हिस्टोरिकल सेक्शन, गवर्नमेंट का चीफ साइंटिफिक ऑफिसर जो 1966 में बना था, एफिशिएंसी यूनिट 1983, ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर फॉर सिविल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई। उसके बाद एक बिगर यूनिट बना दिया गया किसको, जो आपका वार कैबिनेट था। ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली आपके पास जो आता है वो आता है फंक्शंस क्या है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट देखो भी, सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है, असिस्ट करना मिनिस्टर्स को बेसिकली। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में यहाँ पर भी यही काम रहेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे कैबिनेट के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली, उसका बिजनेस बेसिकली जो हो रहा है उसको यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनको सर्कुलेट करना कैबिनेट को, इसकी कमेटीज को, कंपाइल करना जो भी एजेंडा इश्यूज रहेंगे जो मीटिंग्स के कैबिनेट के और इसकी कमेटीज के, उनको कंपाइल करना और इशू करना समन्स, जो भी यहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं कैबिनेट की, इसकी कमेटीज की, उनके लिए समन्स इशू करना, सर्कुलेट करना जो भी कंक्लूजन्स हैं कैबिनेट के और इसकी कमेटीज के, उनको सर्कुलेट करना हर एक डिपार्टमेंट में, टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स ऑफ द कैबिनेट कमेटीज, कैबिनेट कमेटीज की रिपोर्ट यहाँ पर प्रिपेयर करना जो भी इनके जो परफॉर्मेंस का है, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कैबिनेट। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की भी, आपको रिकॉर्ड रखना है कैबिनेट का, जो भी फंक्शनिंग हो रही है कैबिनेट की आपने उसको यहाँ पर क्या है मेंटेन रखना है, रिकॉर्ड रखना है उसका। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो आज हमने पढ़ा ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में। तो पीडीएफ चाहिए आपको लेक्चर की तो यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन करके जो है यहाँ पर हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, फ्री क्लासेज यहाँ पर बिल्कुल पेपर वन की होती है 9:30 AM, और प्लस कोर्स चल रहा है, कंप्लीट प्लस कोर्स चल रहा है यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बजे रोज क्लास होती है तो इसमें हम कंप्लीटली पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या है कवर कर रहे हैं। तो दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, BEGI10 यूज़ करेंगे यहाँ पर कोड तो 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो प्लस और आइकॉनिक दो तरह के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड कोई भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो कुछ और वीडियोस डेफिनेटली आएंगे आपके कंपैरेटिव पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरा लेक्चर है आपका यूके के ऊपर, पहला वाला आप देख सकते हैं जिसमें मैंने फीचर्स किए हुए हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।